बहुत बड़े पत्रकार हो गया नहीं भैया, मेरा दिमाग बहुत खराब है का। क्या हो गया? तुम दिनेश का कहाँ टीएससी जांच हो रही है, कौन कहाँ केस हुआ है? तुमको कर दूंगा हाईकोर्ट में केस में बेटा, वो इलाहाबाद में ठीक हो जाएगा। रुको, हम 15 दिन के अंदर खाली हो के आते हैं। बहुत बड़े पत्रकार बने हो तुम, नाम लेकर एक FIR करने पर पता करो ना, वो शर्मा जैसे लोग आके हाथ को जोड़ने लगे। दिमाग तुम बहुत ईमानदार चरित्रवान हो। आज भैया दिनेश से बात हुई, दस साल हम लोग चोर है, मंदिर में पैसा लिए हैं, कमीशन खाते हैं हम लोग। तुम दिनेश के खिलाफ हमारे खिलाफ लिखोगे तो धरने। बहुत पत्रकार हुए हो, बड़ा ऑथेंटिक न्यूज पता किए हो। जांच तो 3 बार हो गई तो क्या होगा जांच में? दिनेश से भी अच्छा इंजीनियर होगा, कब है काम कराने वाला? उत्तर प्रदेश में दूरबीन खोजोगे तो नहीं मिलेगा। तुम बहुत बड़ा दार्शनिक बौद्धिक बनते हो, हैं? अरे हम बड़ा पत्रकार देखे हैं बेटा, आसिये पल्लाते देखे हैं। उम्र थोड़ा अधिक हो गए तो सही पत्रकारिता कर रहे हो गाजीपुर में? अरे हम तो वहाँ जो है लखनऊ से आई थी जांच जो है। क्या लखनऊ से आई थी जांच? फालतू बात बताते हो, कौन लखनऊ से आया था? पत्ता नीच कहीं का यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर तो था, यही बनारस पोस्ट है, लखनऊ से आया था। कोई कंप्लेन लिख के दे दे तो जांच हो जाए तो क्या प्राडिजम हो जाएगा? वहाँ लखनऊ से जो है एक पत्र आया था, आपको हम भिजवा देंगे, उसको देख लीजिएगा। लखनऊ से पत्र आया है, क्या लिखा था? एक काम चेक करा लो, जिला में कोई बता देगा कि इससे अच्छा काम होगा तो जो कहना सो। हम बोल नहीं रहे, बहुत बड़का आदमी बने हो। आज सुबह उनसे बात हुई थी ना? हम रगड़ेंगे ना तो पंचायत नहीं करेगा। अब 20 जगह से केस कराऊंगा और तुम लिखते रहना कि हम लोग बेईमान है। अरे बता देगा, उससे अच्छा इंजीनियर मिलेगा? तुम जाओ जरा तो दूरबीन लेके गाड़ी देख देखाओ तो। बीएचयू में पढ़ती थी, 20 से भतार रखी थी, बहुत चरित्रवान है वो। तुम चरित्रवान है, बहुत चरित्रवान है। औकात में हो, पत्रकार बनो बड़ा, किसी के खिलाफ लिख के थोड़ी बड़ा पत्रकार हो जाओगे। थोड़ी माई बाप का सर खुद तो तू तनी जांच करा ले, साबित करा ले कौन इंजीनियर करेगा। अरे तो हम बता दे गलत है, MLC करा रहे हैं, हमसे क्या मतलब है? MLC अगर गरीब है इनका MLC वो खुद ही कर रहे हैं। उस साल भी MLC उसका अपना बचाव है, हम लोग तो उस पे लगे भी नहीं है। अरे तुमको कई बार समझाया कि दिनेश से अच्छा इंजीनियर नहीं मिलेगा तुमको, तुम्हें साले किसी को काम नहीं करने दोगे? जाओ टीवी रहो तो हमारे पैसा नहीं आया जब से सरकार बनी है, 5 महीना हो गया जी। अरे कोई अच्छी पत्रकारिता करो, कोई अच्छा काम करो। तुमको लगता हो कि हम लोग गलती काम किए? एक सबूत से दिखा दो। हम तो उस पे लगे भी नहीं थे ना, वहाँ से आई थी तो फिर जानकारी। अरे तुम बहुत बहुत बड़े विद्वान हो गए हो, बहुत ज्ञाता हो गए हो, बोल नहीं रहे तो। हम 16 के बाद आ रहे हैं जिला पर, हम आ रहे हैं देख रहे हैं कि कितना वहाँ का पत्रकार हो। अरे भैया 323-325 हुई, झाँचना हुई, क्रास केस हुई, सब ठीक हो जाए भाई। नव भारत टाइम्स प्रभात जोशी सबसे बड़े पत्रकार थे, पता कर लेना। ऐसी बनारस से आके माफी मांगे थे, चंद्रशेखर जी से कहवा गया था कि देखिए हमारे साथ बदतमीजी ना हो, तुम जिस तरह बदतमीजी करो तुमको लड़का हम भेज दो बदतमीजी करते थे, क्या कहते हो फांसी दिलवा दो क्या? ठाकुर हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा इमेज खराब हो, तुम बहुत चरित्रवान हो, बहुत इमेज वाले हो। हम लोग भंगी घर के अरे कोरम कितना 28 साल हो गए, किसी मार हमको एक रुपया दिया तो पता कर लेना। तो एक ठेकेदार बहुत बता दे, एक अधिकारी बता दे, कोई बता दे किसी ने 1 रुपया लिए हो।
चल के लवंडा साले मानते थे कि चलो गरीब घर का लड़का है, अच्छा है, पढ़े लिखेगा, अच्छा बनेगा। रोज जांच की थी अस्सी। भाई तुम काम में कुछ दिन जाके देखे हो? नहीं, काम नहीं देखे तो कैसे लिख दे रहे हो? खराब है क्या आया था? क्या वहां से लिख कर आया? काम खराब है? वहाँ का संभाता जो है ना वही भेजा था जो है ना। दिमाग खराब हो गया तुमको? बहुत दस रात आ जाओगे बच्चा, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। मैं आ रहा हूँ 16 तारीख के पास। तुम खुद एसपी से जाओ ना, खुद पत्रकार देखेंगे इस टाइम। अरे हम लड़े हैं बे, उम्र थोड़ा बढ़ गया इसलिए सोच नहीं रहे हैं। तुमको एक बार पहले भी खबर किए थे, समझाए थे, और उनके हमारे मित्र है, मैंने कहा कि है कुछ नहीं, साला फ्रस्ट्रेटेड लड़का है। बनारस में गोपेश पाड़ा, सुशील त्रिपाठी, चंदोला से भी बड़ा पत्रकार कोई है क्या बे? जिनके घर पर दवाई है, सोई है, तेरा ही की तरह मदद किए हम लोग।